तो गोपाल जी क्या बनाने वाले हैं? सर हम सबसे पहले आपको यहाँ भुटुआ बनवा रहे हैं। तो इंटेस्टाइन है ये ना, और लीवर है? ये लीवर है, ये बारीक वाली आंत है, और इसके साथ उसका वो जो फेफड़ा वो भी साथ। अच्छा गोपाल जी, कुमाऊनी मांसाहारी व्यंजन की बात करें तो क्या क्या डिशेज हैं? सर ऐसे जैसे भुटुआ है, कलेजी है, और मुर्गा भी लोग पसंद करते हैं, और ज़्यादातर यहाँ के लोग मतलब तरी के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब जो हमारे यहाँ पर है। तो ज़्यादातर ये भुटुआ को छोड़ के बाकी चीज़ें जितने भी हैं करी करी तरीके साथ ही बनाते हैं। थोड़ा हमने तेल को कढ़ाई को गर्म किया, तेल डाला, और उसके बाद जब तेल थोड़ा गर्म हो गया तो हम जीरे को थोड़ा सा ब्राउन होने लगे, हल्का सा गोल्डन। तो ज़्यादातर कुमाऊँ में लोग बकरा पसंद करते हैं या चिकन ज़्यादा खाना पसंद करते हैं? ज़्यादातर लोग बकरा पसंद करते हैं। अब ये नए उसमें लोग मुर्गा वगैरह पालने भी लगे हैं और खाने भी लगे हैं, लेकिन पहले जो है मुर्गा लोग कम खाते थे और बकरा ज़्यादा खाते थे। सर अब ये थोड़ा ब्राउन हो गया है जी, अब हम आप इसमें डालते हैं प्याज। नेगी जी क्या बना रहे हैं? ये नमक बना रहे हैं सर, इसके लिए खीरे के लिए। किस चीज़ का नमक बना रहे हैं? हरी मिर्च का? हरी मिर्च होगा सर, जीरा होगा इसमें, फिर नमक होगा, पीसी नून। हाँ पीसी नून, पीसी नून बोलते हैं ना जी। तो सिलबट्टे पे जीरा डाला, नमक डाला जी, और इसमें थोड़ी हरी मिर्ची डालेंगे सर, कोरिएंडर लीफ, धनिया जी। यहाँ पे पीसी नून अलग अलग जी चीज़ों से बनाया जाता है, लहसुन से भी बनता है, लहसुन से भी, हींग भी डाल सकते हैं, लहसुन और भांग के दाने। सर एक कहावत है, वो खीरा सबसे काटिए, नमक दियो लगाए, तय मलिए मलिए, कड़वा कड़वा सब चले जाए। हाँ बहुत बढ़िया। अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ठीक है, इसको खाते किसके साथ हैं? ये वैसे भी ज़्यादातर स्नैक्स एक प्रकार का स्नैक्स समझिए। और टमाटर डाल रहे हैं, हम नमक डाल देंगे। टोमेटो भी पहाड़ी टोमेटो है। अच्छा पहाड़ी। ये धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर है, ये हमारा एक बनाया हुआ मसाला है। इतने स्पाइसेस देख रहे हैं, इस सारा पहाड़ी है, यहीं का ग्रो किया हुआ है, हल्दी है, धनिया है, जीरा है, सारे यहीं का ग्रो किया हुआ है, अदरक लहसुन सारा यहाँ का पहाड़ों का है, ग्रो किया हुआ। थोड़ा हम इसमें हरी मिर्ची भी डाल देंगे। तीखा बनता है ये, तीखा होता है, चटपटा रहेगा। थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि ये मसाले के साथ सब गल जाएगा। ककड़ी खाने का कोई समय नहीं है, जब मन किया है नून बनाया और खाया, डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है ये चीज़ें। तो ये लास्ट मंथ है, मतलब अक्टूबर के बाद नहीं होगा मिलेगा? हाँ हमारे यहाँ जो है ना लास्ट है, अक्टूबर लास्ट है, और जुलाई 15 के बाद ही करीब करीब उगता है, मतलब होता है हमारे यहाँ, तो 2-3 महीने ही इसका सीजन है, और भरपूर जो टाइम है इसका ये सितम्बर और 15 अक्टूबर तक, इसके बाद बेलें सूखने लगती हैं। भांग के पेड़ से, मतलब पौधे से, और क्या क्या चीज़ें बनाते हैं? एक तो भांग के बीज का इस्तेमाल करते हैं। वैसे देखा जाए तो भांग हमारे लिए बहुत उपयोगी है, विशेषकर आज की मतलब पहले भी जो भांग का बहुत अच्छा उपयोग हुआ है। भांग का पत्ते से लेकर जड़ तक कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाता है, तो ये भांग का बीज को हम लोग अक्सर जाड़ों में यूज़ करते हैं, इसको पीस के सब्जियों में डालते हैं, इसकी तासीर होती है गर्म, और जो इसका डंडा होता है उसके बाहर से रेशा होता है, उस रेशे को निकाल के उसकी रस्सियाँ बनाते हैं, पहले बनाते थे आज तो है ना, उसकी रस्सियाँ बनती हैं, और जो अंदर की लकड़ी है वो चूल्हा जलाने के काम आता है, जैसे लकड़ी जल्दी से आग नहीं पकड़ती है तो भांग की लकड़ी जल्दी आग पकड़ती है, तो भांग की लकड़ी जलाए तो अंदर चूल्हा जल जाता है, ये इसका। और पत्तों का?
पत्तों का तो दम पीने वाले दम भी पीते हैं और कभी कभी पकौड़ी भी खा लेते हैं। ये ग्रेवी करी करी तैयार हो गई है। ठीक है, ये भांग टॉस हो गया है। अच्छा, लहसुन जी, हरी मिर्चें, हरी मिर्चें, लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं सर। लेकिन जहाँ तक हमारे घरों में है इसका जो है होली यूज होता है। नमक हो गया और धनिया हो गया सर जी। अब इसको भूनते रहना है। इसको चलिए, जब तक ये पक रहा है हमें सब्जियों के बारे में बताइए। जी सर, सर ये है पहाड़ी भुट्टा। ये अलग अलग जगह पर से अलग अलग नाम है इसका। यहाँ पर इसको सीताफल बोलते हैं। सीताफल? हाँ, यहाँ पर ये सिर्फ सब्जी होती है इसकी। और एक इसका पौधा एक बारी अगर लगाओ कभी 3-4 साल तक रह जाता है और बरसात में ही इसकी सब्जी होती है। ये हो गया चिचंडा। चिचिंडा, चिचंडा ये एक प्रकार के तुरी की प्रजाति का है, लेकिन ये धारी वाला है। तो ना ये तुरी है ना लौकी, बीच के प्रजाति है। इसको बोलते हैं स्नेक गॉड। स्नेक गॉड इंग्लिश में आप स्नेक गॉड कह सकते हैं। जी सर, और हमारे यहाँ अक्सर प्लेन्स में देखा होगा आपने लंबी लंबी मूलियाँ होती हैं। हमारे यहाँ ये गोल मूली का पहले से प्रचलन है। गोल मूली होती है, इसमें भी दो वैरायटी की हैं। एक बाहर से थोड़ा सलजम के कलर का भी होता है, लेकिन ये एकदम वाइट में है। तो मूली का भी इस्तेमाल करते हैं, इसके पत्ते का भी साग बनाते हैं। हाँ, हम लोग इसका पत्ते का, जब मूली छोटी होती है तो उसमें उसके जो कोमल पत्ते हैं उसकी सब्जी बनाते हैं। और फिर जब बड़ा होता है तो पत्ते की जरूरत नहीं है, मूली तैयार हो जाती है। ये बैंगन, ये बैंगन, ये नींबू है, ये नींबू है। अक्सर ये जब पक जाता है, ये अभी दिसंबर तक तैयार होता है। तो दिसंबर में तैयार होने के बाद ये जब पक जाए तो अक्सर गांव में नौजवान लोग, बच्चे लोग नींबू साना, हाँ नींबू साना का बनाते हैं। नींबू साना बनाते हैं। ये तो तुरई है। ये तुरई होगी। ये भी मूली है। ये भी मूली है। ये तो काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। ये यहाँ का गोल कद्दू है। ये यही तरह की पक्के ये ऐसा हो जाता है लाल। ये सेम चीज़ है, पक्के ऐसा हो गया। हाँ, ये मतलब एक ही प्रजाति है। हो सकता है वो थोड़ा लंबा हो जाए, ये चपटा है थोड़ा, लेकिन एक ही प्रजाति है। तो कद्दू को गद्दू बोलते हैं हमारी भाषा में। कद्दू को गद्दू बोलते हैं, गद्दू बोलते हैं। हाँ, इसका आप हमारे उससे बहुत अच्छे परिचित हैं। अच्छा, गांव में घूम के आए। ये है सर, ये है गडेरी। गडेरी, ये अरबी का एक बड़ा रूप है। ये अभी ये छोटा आया है। ये जब होता है तो इतना बड़ा तो ये खेत में ही इसका बीज लगाया जाता है। तब इससे जब गडेरी खुदेगी तो 5 किलो तक के भी हो जाता है। ये मेरी फेवरेट सब्जी है, बताओ। हाँ, जहाँ रुका था मैं, हौसानी में, उनके यहाँ 2 बार बनवा के खाया। अच्छा, हाँ, ये गडेरी है, बहुत टेस्टी है। हाँ, ये है गडेरी, इसकी सब्जी मतलब। और ये है गेठी। ये डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। जो आलू नहीं खा सकता है तो उसके लिए आलू की जगह एक ऑप्शन अच्छा है। इसको चाहे कोई मतलब जैसे गर्म रखे ना, उसकी ढेर में डाल दो, भून के खा लिया, भून के खा लो। और या इसको छील के, जैसे आप मटर पनीर वगैरह बनाते हो वैसे इसे गडेरी और मटर बनाओ तो वो भी मतलब बहुत अच्छा ऑप्शन है इसका। बाकी ये है लाई के पत्ते हैं, इसकी सब्जी हम आपको खिला रहे हैं आज। और ये खीरा है हमारा, पहाड़ी खीरा, ककड़ी, ककड़ी जिसको आप लोग छोटे के रूप में आप खीरा कह देते हैं। जी, जी। हम लोग बोलते हैं ककड़ी, यहाँ के भाषा में बोलते हैं काकड़। काकड़, काकड़। और ये पक के ऐसा हो जाता है, इसकी बढ़िया बनती है। अच्छा, बड़ी इसी का बनाते हैं? बड़ी इसकी बनाते हैं, बांस की बड़ी। हाँ, ये भांग की चटनी तैयार हो गई। हाँ जी सर, अब इसको टेस्ट कीजिए। ये सर आप किसी के साथ सर, ये चटनी है, ये मल्टीपर्पज है। आप चाहे सब्जी नहीं है, भांग की चटनी बनाए उसके साथ रोटी खा लो। जैसे खाना लगा है, ये दो तीन, एक चटनी नहीं बनाई, 2-3 बना दी, किसी के साथ भी खा लो। इसका स्वाद बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ तीसी होता है ना, तीसी। अच्छा, अलसी, अलसी, अलसी उससे मिलता जुलता है। जी जी, है ना। हाँ, अलसी और इसमें, हाँ अलसी का हाँ, स्वाद मिलता जुलता है। बढ़िया मैडम, जो भुना है उसका भी एक स्मोकीनेस है, तीखापन भी, हरी मिर्च का, लहसुन का स्वाद भी है।
धनिया पत्ता बहुत बढ़िया। भुटवा तैयार है, हम इसमें थोड़ा धनिया पत्ती डालेंगे जी। एक कुमाऊनी मांसाहारी व्यंजन है, अमली से ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि कोई भी चीज़ हाँ। बर्बाद नहीं किया जाता। हाँ? नहीं नहीं, हमारे यहाँ वैसे आज की डेट में अगर हम लोग नीचे को नहीं जाते तो हम बर्बादी सीखते ही नहीं, हम सब चीज़ यूज़ करते हैं। हाँ। नीचे के लोग ऊपर को आए बर्बादी सिखा दी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सहमत हूँ आपके बात से। तो ये ज़ीरो वेस्टेज फूड, नोज टू, इसको हम लोग कहते हैं नोज टू टेल ईटिंग, वो है ये। मतलब सभी चीज़ें इस्तेमाल करना, मीट का सभी पार्ट्स इस्तेमाल करना, वो है इंटेस्टाइन और लीवर से तैयार किया गया पहाड़ी मसालों के साथ मसालेदार भुटवा। ये मसूर की दाल है छोटी वाली, ठीक। इसको हमने करीब 6 घंटे भिगो रखा है, उसके बाद इसको पीस्ट है, ठीक है, पीस लिया इसको, इसको हमने पीस लिया। इसके बाद अभी पीसने में हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्ची और थोड़ा सा जीरा और चुटकी भर इसमें डाल के हमने गरम मसाला, अब हम इससे बनाएंगे बदीर। इसको पकाने के बाद इसको ट्रे में सेट करेंगे, टाइप ऑफ बर्फी टाइप का सेट करेंगे, उसके बाद इसका कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद उसको डायमंड कट शेप, जो भी शेप दे दें, नॉर्मली बर्फी का जो शेप होता है डायमंड कट शेप होता है, तो उसको शेप दे करके उसके बाद इसको फिर है कि जो इसको सौते करेंगे, पकाएंगे थोड़ी सी तेल लगे तावे पे। अच्छा, आप काजू कतली कह सकते हैं उसको। ये दाल कतली है, दाल कतली, दाल कतली, दाल कतली बनेगी, लेकिन वो मीठा है, ये नमकीन, नमकीन है, तो ये भी एज ए स्नैक लोग खाते हैं, एज ए स्नैक्स बहुत चलता है। तो काफ़ी देर मतलब तुरंत चलाते रहे, रेगुलर चलाते रहना पड़ता है और बिना रुके हुए, ताकि इसमें गांठ ना आए, अगर गांठ आ गई तो कहीं पर पतला कहीं पर मोटा हो जाएगा। क्या बात, अरे तैयार हो गया, ये तैयार है। चलिए अब इसको तेल लगाया ट्रे में और रख दिया जी। तो दाजू अपन क्या बनाना छा? मैं यार जो भांग दगर मुर्ग बनाने, भांग दगर मुर्ग बनाने, यहाँ को नहीं भांगलुआ मुर्ग, यहाँ लोकल भाषा में भांगलुआ मुर्ग, वैसी यहाँ नाम है भांगा चिकन। भांगा चिकन जी, भांग से बनेगा ये, भांग के, इसकी ग्रेवी भांग से तैयार होती है और भांग के साथ ही बनेगा। रिफाइंड डाल दिया, थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो इसको लोहे में कढ़ाई में बनाया जाता है? हाँ, इसमें हमारे यहाँ पर उस समय जो या तो तांबे के बर्तनों में खाना बनता था शुरू में, और या पीतल के बर्तनों में, और या फिर लोहे की कढ़ाई में, तो ज़्यादातर जो है लोहे की कढ़ाई में बनता था, क्योंकि लोहे की कढ़ाई से कोई साइड डिफेक्ट नहीं होता है। तांबे के बर्तनों में या पीतल के बर्तनों में खट्टा वाला खाना नहीं बनाया जा सकता, तो इसलिए लोहे की कढ़ाइयों का इस्तेमाल उस समय से हुआ है। अब ये मसाला हो गया है, ये चिकन डाल दिया, ये चिकन डाल, भांग के बीज को पीसा है? हाँ, पीस के रखा है और इसे छान के रखा है, ठीक है। ये हमने इसमें डाल दिया है, अब हम इसको इसके साथ ही पकाएंगे। हाँ। लेकिन ये जो डाला आपने कच्चा पीसा है ना भांग के बीज को, कि भून के पीसा? नहीं, उसको भी हल्का टॉस करना पड़ता है, हल्का उसको भून के पीसा है, नहीं तो इसका छिकल जो है ना वो लगता है, और फिर उसके बाद उसको छानना पड़ता है, तब ये पकता रहेगा इस पर। हाँ हाँ, अब ये लगभग पक चुका है जी सर, ये अब तैयार है, बस इसको हमें सिर्फ आपको लुत्फ उठाने की देर है। अच्छा, अब इसका जायका लेना है जी। बस ये गोपाल जी ने पकाया है भांगा चिकन, जिसको आप भांग चिकन भी कह सकते हैं, लोहे की कढ़ाई में पकाया गया है। इसका जो टेक्सचर है बहुत ही क्रीमी है और लाइट स्पाइसेस हैं, ज़्यादा तीखा नहीं है, और हल्के मसालों के साथ बनाया गया है,
और गोपाल जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि गरम मसाले का काम भांग कर देता है, क्योंकि इसकी तासीर गरम होती है भांग के सीड्स की, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लोग ज़्यादातर जाड़े में खाते हैं भांग के सीड्स, ना कि भांग। गोपाल जी, बहुत ही लजीज और उम्दा जायका है, मज़ा आ गया खा के। धन्यवाद सर, आपको हमारी डिश पसंद आई और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्या हम लोग कर रहे हैं, आपने क्या बनाया? अच्छा, अब सेब में तो यो जो अमूल्य बदिल छे, मैं इसको काटूँ आप, ठीक छे, इसे सेव करूँ, फिर इसको फ्राई करूँ। ये बदिल कट के तैयार हो गई है, अब इसको फ्राई होना है। शैलो फ्राई करेंगे। शैलो शैलो फ्राई होगा। तो नेगी दाजू बना रहे हैं मडुए का जामुन जी। चलिए, इसमें मडुआ है, दूध है और खोया है। जी सर, ये रहा खोया। जी, मडुए के आटा में खोया, खोया दो तरह के होते हैं, एक ढाब होते हैं, एक पिंडी होते हैं। ढाब जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, पिंडी थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो इसमें इसके लिए गुलाब मरुए का जामुन के लिए पिंडी खोया हम यूज करते हैं। अब उसको मरुए का आटे के साथ है तो इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, और इसे दूध से इसका है कि जो डो तैयार कर, इसका मिक्सचर दूध के साथ तैयार करते हैं, गुदते हैं दूध। अब हमारा ये तैयार है बदिल। ठीक छ, धनिया पुदीना, धनिया पुदीना ये हमारा बदिल। लाओ इधर, ये लाइए लाइए सब, ट्राई किया जाए। सॉफ्ट और फ्लफी है सर, आप भी लीजिए। ऊपर से क्रिस्पी भी होगा। हाँ, ऊपर से क्रिस्प, अंदर से सॉफ्ट, आप भी लीजिए। एक तो खाना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, एक तो खाना पड़ेगा। गोपाल दाजू, मांस तो हटाना पड़ेगा। मैं सब हटा दूंगा। ये बहुत सही रेसिपी है, मतलब मडुए का जामुन है। जी सर, एक दे देता हूँ। मतलब मडुए की भी कितनी सारी चीज़ें बन सकती है, इसका बिस्किट बनता है। हाँ, तो लेकिन अभी इसका जो डायबिटीज वाले हैं, इसका बिस्किट का ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं और काफ़ी लोग खा रहे हैं इसके। ठीक है, एक अच्छा साधन कुटीर उद्योग के अंदर लोग जो छोटी छोटी बेकरी खोल के घरों में वो बना रहे हैं इसको। सर, मैं चाहता हूँ कि आप इसको ट्राई करें। बिल्कुल, एक इतने प्यार से गोपाल जी और नेगी जी ने इसको बुलाया है। देखने में तो इसकी सूरत बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह ही है, हाँ, लेकिन बना है मडुए के आटे से। आपको एक और प्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अब कुमाऊँनी भोज का आनंद लिया जाए। बिल्कुल। आइए प्लीज, वेलकम। चलिए, नमस्कार दीवान जी। ये ट्रेडिशनल आपको कुमाऊँनी वेलकम। थैंक यू। ये जो आप डेकोर आप देखेंगे, ये हमारे गांव का ही आपको वेलकम कर रहे हैं। मैं जैसे कि कोई फेस्टिविटी होती है, शादी ब्याह, कोई स्पेशल ओकेजन, तो इसी तरह के ये डेकोरेशंस वहाँ किए जाते हैं। उत्तराखंड की हमारी कुमाऊँ की
गांव की महिला बैठी हैं, और ये रंगोली जो आप देख रहे हैं ये वहाँ का है, और फिर आपको एक एक करके ये खाना लाएंगे, इतनी चटनियाँ लाएंगे जो आपने भी देखा प्रिपरेशन जी जी, वो आपको टेस्ट करने को मिलेगा। ये हमने यहाँ शेरवानी होटल में एक कुमाऊनी भोज रखा है, जिसमें आपको 10-12 चीज़ें चखने का एक वक्त में मौका मिल जाता है, और बैठ के वैसे ही खाने का, जैसे वाजवान होता है एक करके, तो हम भी कुमाऊनी भोज में एक एक करके खाना लाते हैं। सो आपका स्वागत है, आइए थैंक यू। तो हम इतनी दूर दूर इसलिए बैठ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैसे तो हम पास पास बैठ जाते हैं जी, सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज भी आज के वक्त जाना जरूरी है, तो इसलिए थोड़ा डिस्टेंस पे हम बैठे हुए हैं। बडील, भुटुआ, ये मांस के चैंस, मडुए की रोटी, पिनालू के गुटके, लाई साग, लाल चावल, काकड़ी, मूली दही वाली, तिल की चटनी, भांग की चटनी, आम का अचार, भगीरे की चटनी, उसके बाद फिर आपका ये है भांग चिकन, पहाड़ी शिकार, कुमौनी रायता, ककड़ी वाला, ये आलू का रायता, गुड़ और घी, भट का हलवा, और मडुए का जामुन। पहले ट्राई करते हैं रागी रोटी, मडुए की रोटी। रागी रोटी है, रागी रोटी ज़्यादातर आप हाई लेवल पहाड़ों पर जाएंगे तो जाड़ों पे इसका यूज होता है, क्योंकि शरीर को एक खाना गर्मी प्रदान करता है। खाना पीना बहुत ही सिंपल है, मसाले में बिल्कुल काफ़ी नॉर्मल, लेकिन जो स्वाद है वो काफ़ी अनोखा है। पहाड़ों में उसका जो पहाड़ी मटन है इसका काफ़ी डिस्टिंक्ट फ्लेवर है जो जला के बनाया जाता है। इसीलिए क्योंकि बाकी जगह क्या होता है कि स्किन का यूज अलग होता है, इसलिए जलाया जाता है कि स्किन का यूज उसको निकाल देते हैं। मटन नहीं, मटन है अभी, और एक टाइप का लकड़ी का उसको जलाया जाता है, तो इसका स्मोकी फ्लेवर ठीक आ जाता है। आपके होटल में बिल्कुल एक कुमाऊं का दर्शन हो गया, कुमाऊनी कल्चर का, फूड का, लाइफस्टाइल का। कोई खाएगा तो फर्स्ट टाइम उसको आप बोलेंगे मूंग दाल का हलवा है तो वो समझ के खा सकता है, लगेगा नहीं कि ये भट का हलवा है। ये मडुए का जामुन, ये तो दो गोपाल जी पहले खिला चुके हैं। अच्छा, हाँ, वहाँ खड़े खड़े गोपाल जी ने बनाया, गरम गरम खिला दिया। थैंक यू सो मच, आप आए, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। मेरी फूला गुरु सी जैसी हाई, मेरी फूला गुरु सी जैसी हाई, नखरावाई रुपसी मेरी है जावे, सिया मेरी है जावे, ओ तेरी लागीर भोते नराई, ओ तेरी लागीर भोते नराई, रूपसी मेरी हाई, हसिया मेरी है जावे। धन्यवाद।